दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त विनोद विजयवर्गीय आपके अपने YouTube चैनल आई एग्जाम गाइड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप आई के एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि सर आई एग्जाम के लिए कौन सी बुक प्रीफर करें, कौन सी बुक नहीं लें, कौन सी अच्छी है। तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूं कि कोई सा भी पब्लिकेशन आप ले लीजिएगा, बट इस बार के पब्लिकेशन में मैंने स्टडी करी है डेटा की, कुछ ज्यादा मैटर नहीं दे रखा। हर टॉपिक को एक से दो पेज में, ज्यादा ज्यादा तीन पेज में आपको उस टॉपिक को फिनिश कर रखा है, जो कि आपके लिए इस बार सफिशिएंट नहीं है दोस्तों। बिकॉज इस बार आईए का कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, और आईए की जैसे मैं किसी भी पब्लिकेशन की बात करूं तो 70 से 80 पेज में सारा सिलेबस उन्होंने फिनिश कर दिया। तो अगर 70 से 80 पेज की बात करूं तो 1302 पोस्टर और 2 से 2.5 लाख फॉर्म भरने वाले हैं अपने पास। तो उन 70 से 80 पेज को तो सब कोई भी रट्टा मार लेगा, जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं वो सारे सोल्व कर लेगा। बट आपको पता रहना चाहिए कि 60% मार्क्स तो कोई सा भी पब्लिकेशन पढ़ के सब ले आएंगी, 60% मार्क्स तो सब ला रहे हैं। बाकी जो बचे हुए 40% मार्क्स की बात कर रहे हैं तो वो ही ला सकता है बंदा जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाला है। मतलब आप एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ सकते हो, उस टॉपिक के बारे में कुछ अच्छे से पढ़ो, उनके एमसीक्यूज और सर्च करो, आप इंटरनेट पे सर्च करो। इंटरनेट पे आप देखोगे तो टॉपिक्स के बारे में आपको अलग अलग रिसोर्सेज से आपको अलग अलग अच्छा अच्छा डेटा मिल जाएगा, वहां से आप स्टडी करो। उसके अलावा मैं बात करूं मेरे चैनल की, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आई एग्जाम के अकॉर्डिंग हर टॉपिक के पर आपको एक एक टॉपिक पर एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बताता हूं कि किस टाइप का आपको आई एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब मैं यहां पर आपकी फ्रीली, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये सब कुछ करना बिल्कुल फ्री है। मेरे सारे वीडियोस फ्री है, आप आराम से देखें और अपने आई एग्जाम के लिए आप अच्छे से यहां से प्रिपरेशन करें। बिकॉज मैं आपको हर टॉपिक में हर लाइन से एक एक चीज यहां पे आपको मैं क्लियर करवाता हूं, और आपको मैं ये बताता हूं कि किस किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। आई एग्जाम रिगार्डिंग भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। बाकी मेरे चैनल क्यों देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पे मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक चीज की स्टडी करवा रहा हूं, और मैं कुछ कचरा मतलब डेटा, कोई कोई टॉपिक है जिसमें आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना आपके आई एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और हर लाइन से ये बताता हूं कि किस टाइप से, किस लाइन से कितने तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं कि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को आईए के एग्जाम में बेनिफिट मिल सके। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें, और उसके बाद मैं बात करता हूं क्रैक करने की। तो आप सबसे पहले वो टॉपिक कवर करें जिन टॉपिक को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं हाँ आई एग्जाम क्रैक कर सकता हूं। जैसे कि मैं बात करता हूं नंबर सिस्टम आप कर लीजिएगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आप कर लीजिएगा, उसके अलावा बात करूं नेटवर्किंग का पार्ट आप कर लीजिएगा अच्छे से। मतलब कुछ ऐसे पार्ट है जिनको आप अच्छे से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको जीके रीजनिंग भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। बिकॉज हमें ये नहीं है कि जीके पे ध्यान नहीं देना, रीजनिंग पर नहीं देना, बिकॉज इस बार कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो आपको सारे पार्ट लेकर चलने हैं, आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग वो सारे पार्ट क्लियर करने हैं और अपने को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं एग्जाम में। इसके बाद स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितनी देर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, या फिर इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी और पेपर ऑब्जेक्टिव ही होगा। इसके बाद मेरे पास कमेंट बॉक्स में टाइपिंग के रिगार्डिंग भी आता है, तो मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि टाइपिंग आप अभी से स्टार्ट कर दें। वैसे तो आईए एग्जाम में 20 वर्ड प्रति मिनट, जो कि बहुत कम है, अगर आप कंपैरिजन करें कोर्ट वगैरह से या एसएससी वगैरह से, तो आपको वहां पे 35 प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश में मांगते हैं। तो उसके कंपैरिजन में आईए एग्जाम में केवल और केवल 20 वर्ड प्रति मिनट आपसे मांग रहे हैं, जो कि बहुत कम है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि आपका पेपर फर्स्ट क्लियर होने के बाद आप 15 से 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपके पास उस टाइम का टाइम कम रहेगा। तो आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप भी जानते हो बोर हो जाते हैं। तो आप अभी से 1 से 2 घंटे आप डेली टाइपिंग पे दो, तो इजी गोइंग आपकी पेपर फर्स्ट क्लियर होने तक ही आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी 20 वर्ड प्रति मिनट। हिंदी की मैं बात करूं तो आपको वहां हिंदी और इंग्लिश दोनों की अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पे डिपार्टमेंट का खुद का सॉफ्टवेयर है, उस पर आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। वहां आपको एक एक लाइन देगा वो, देन उस लाइन को टाइप करने के बाद आप एंटर जैसे ही मारोगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। ऐसे करके आपको 15-15 मिनट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग में
15 15 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेंगे। और टाइपिंग हिंदी की मैं बात करूँ तो बहुत इजी, लास्ट के एग्जाम की बात करूँ तो टाइपिंग बहुत ही इजी आई थी, जैसे राम घर जाता है वह पढ़ता नहीं है, मतलब इजी इजी वर्ड आए थे, कुछ टिपिकल वर्ड आए नहीं, बड़े वर्ड नहीं आए, सब छोटे छोटे आए थे, वह घर ऐसे वर्ड आए थे। और ओल्ड के साथ जो भी हिंदी में वर्ड बनते हैं, जैसे कि अपन आधे कह की बात करें, आधे फेक की बात करें, जो कि ओल्ड के साथ अपने पास आते हैं, तो वो वाले वर्ड अपने पास लास्ट टाइम में एक भी वर्ड नहीं आया था, तो हिंदी में बहुत ही ईजी अपने को टाइपिंग मिली थी। बाकी आपको फिर भी अभी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट करनी है, जैसे कि आप बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टाइपिंग ट्यूटर मास्टर है, वो सब कुछ आप डाउनलोड करके, आप सभी टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपके पास लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, तो आप घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाहर जाने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से इजी गोइंग इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे टाइपिंग ट्यूटर मास्टर है, इनमें गेमिंग आती है, गेमिंग के थ्रू आप इजी गोइंग आप आराम से हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं बहुत इजी से। और इस तरह से आप पेपर फर्स्ट और पेपर टू की टाइपिंग क्रैक कर सकते हैं और आप आईए में सिलेक्शन ले सकते हैं। और आईए में सिलेक्शन के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, मैं आपको डेली हर टॉपिक पर नई नई वीडियोस दूंगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया आपको तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।